बेटा समीर, कल तुम्हारा रिजल्ट आने का था क्या आ गया? सुन नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? कल तुम्हारा रिजल्ट आने का था क्या आ गया? खड़े हो, मैं क्या कह रहा हूँ सुन नहीं पा रहे हो? क्या है ये? अब आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नंबर दिखाना, समझ गए? चल निकल। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। पिताजी, आपने मेरे भाई को क्यों निकाला? पढ़ाई कर। नहीं, मुझे भाई के साथ रहना। भाई के साथ पढ़ाई करता था वो? दिन भर बैठा रहता था, मोबाइल चलाता रहता था। नहीं, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। निकल, कदम मत बेटा। अगर तू मेरी मन की आवाज़ को सुन पा रहा है तो बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुझे जानबूझकर घर से बाहर नहीं निकाला है बेटा। तू कुछ बन सके इसलिए मैंने घर से बाहर निकाला है बेटा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। भाई, तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं, तू नहीं जा सकता मेरे साथ। भाई, तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जा, हट। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है जीवन। पार्टी करने चले थे यार, मजा आ गया यार। हाँ तू यार सही कह रहा है, कल फिर चलेंगे। हाँ, मेरे दोस्त बैठे हैं यार, तुमसे कुछ मदद मांग के देखते हैं यार क्या होता है। अबे यार बोलू तारीख, मेरे पिताजी ने मेरे घर से निकाल दिया, मेरी मदद करो यार थोड़ी यार। अबे यार बोलू, तो फट्टे बार हो गया है, इसको 10-10 रुपये दे के निपटाते हैं। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, हमको तो खर्च नहीं करेगा। हाँ चलो, 10-10 रुपये। वक्त का है क्या, आज है या है कल, ये गुजर भी जाएगा, तू रखना तालु में इतनी भी। पिताजी, आपने मुझे घर से बाहर निकाल कर बहुत बुरा किया, मेरी गलती भी क्या थी पिताजी, आपने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, कहाँ भटकूँ। भाई मुझे भूख लगी है, चल निकल। मैंने कह दिया ना पिताजी से जा रहे रह जाके, सुबह से मेरे पेट में दाना तक नहीं गया, तू कहता है मुझे भूख लगी है, चल निकल। तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है, भाई भाई में अक्सर ये हो। भाई मुझे नींद लगी है, चल आ सो जा। क्या हुआ भाई? फरहान यार, तू यार मेरी एक बात मानेगा यार? क्या? पहले मेरी कसम खा यार, तू यार पिताजी संग रह जाके। ठीक है। किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलता वेखिया मैं, बदल दे वेखे अपने मैं रब।
बदलदा वेख्या किस्मत बदलती वेखी मैं जग बदलदा वेख्या मैं बदलद वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल चल ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी किस्मत बदलती वेखी मैं हे जग बदलदा वेख्या मैं बदल दे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या तू आखरी उम्मीद मेरी टुट किते जावी ना लुटी होई नू वे जानी लुट किते जावी ना तू आखरी उम्मीद मेरी टुट किते जावी ना लुटी होई नू वे जानी लुट किते जावी ना मैं झूठ बदलदा वेख्या मैं सच बदलदा वेख्या मैं बदलद पत्थर वेखने मैं कच्च बदलदा वेख्या सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल चल ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी किस्मत बदलती वेखी मैं हे जग बदलदा वेख्या मैं बदल दे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेख्या मांगना सलाहां जाके पर लोकां कोल वे जे देना है ते दिल नाल साथ देवी मेरा तू जे रोलना आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ मैंने तुमको बुलाया, कुछ जरूरी बात करनी है। चलो नीचे चल के बात करते हैं। बताइए सर किस लिए बुलाया था? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि ऑफिस का जो काम है थोड़े दिन के लिए तुम संभालोगे। क्यों सर? ओ सॉरी सर, फोन आ रहा है अभी, दो मिनट। हेलो, कौन? हाँ हेलो अफजल, मैं गोलू बोल रहा हूँ, तुम्हारा कॉलेज का दोस्त। हाँ गोलू यार, बता कैसे फोन किया? यार मेरे बॉस ने यार नौकरी से बाहर निकाल लिया है हम और तारिक को, कोई नौकरी है वो बताओ। हाँ यार नौकरी से निकाल दिया? हाँ नौकरी तो है। ठीक है तुम ऐसा करो, शाम को मेरे बॉस के घर पे आ जाओ, मैं बॉस से बात कर लूँगा, बॉस मेरी बात को नहीं टालेंगे। हाँ ठीक, रखो। हाँ ठीक है, हम दोनों शाम को बॉस के घर पर आ जाएंगे। जी सर। किसका फ़ोन था अफजल? कुछ नहीं सर, वो मेरे दोस्त का फ़ोन था, गोलू और तारिक। जी बोलो।
गोलू और तारिक सर, उनके पास सर काम नहीं है, जो उन्हें नौकरी चाहिए। ठीक है, तो उन्हें अभी बुलाओ, शाम को मैं पिताजी से मिलने चले जाऊंगा। ठीक है सर, मैं उन्हें फ़ोन करके बुला लेता हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ हेलो गोलू। हाँ यार, तू एक काम कर यार, तू अभी आ जा बॉस के घर पे। हाँ हाँ, जल्दी आओ, मैं एड्रेस मैसेज करता हूँ। हाँ जल्दी आओ तुम। ठीक, बाय। तुम लोग आ गए? हाँ हम लोग आ गए सर। ये लोग आ गए। तमीज से बात करो, तुम मेरे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं मेरे बॉस से बदतमीजी से बात करोगे। हाँ मैं, याद है वो दिन तुम दोनों को? कल तुम दोनों ने मुझे धुतकारा था, आज मैं तुम दोनों को धुतकारता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। अफजल, इन लोगों को हटाओ मेरे सामने से। गेट आउट। मैं भी शराफत से जीता, मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ। अफजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, इन्होंने मुझे पूरी बात बता दी है। जो इन्होंने आपके साथ किया उसके बाद ये माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन्हें एक और मौका देना चाहिए। अगर आप भी इनके साथ वैसा ही सलूक करेंगे तो आप में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? अगर कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए सॉरी सर। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। अफजल। यस सर। कल से इन लोगों को काम पे ले जाओ, मैं पिताजी से मिलने जा रहा हूँ। सर थैंक यू सर। यू वेलकम। ये सब है, याद करो, मैं अभी आता हूँ सुनने के लिए। ठीक है? ठीक है बताइए। राह ऐसी मैं ढूंढता हूँ, वक्त गुजरा है वो तुझे मैं कैसे दिला सकूं। समीर तुम? हाँ मैं पिताजी। तुम कैसे यहाँ आए हो? मैं आपको नहीं भूल सकता। और क्या आई है? मैं आप ही की बदौलत इतना बड़ा आदमी बन सका पिताजी। अब हो गया ना एहसास? मैंने क्या कहा था कि बेटा, जिंदगी में गरीब जो गरीब होता है उसे कोई नहीं पूछता है, और जो अमीर होता है उसे सब पूछते हैं। बेटा एहसास हो गया ना? अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। जा कोई क्या पहचाने।